अस्सलाम वालेकुम पार्कलर्स, क्या हाल है आप लोगों का। यार मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ नई नवेली 2022 की होंडा सिविक के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं बलाज भाई। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। तो सर स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। तो सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं कि आपने होंडा सिविक 2022 क्यों ली? हमने अभी तक अगर बात की जाए तो रीबॉर्न हमारी पहली सिविक थी और उससे अब तक जितनी भी सिविक्स आई हैं हमने ली है। बिल्कुल, क्योंकि सिविक से एक खास हमारा प्यार है। ठीक है, एक क्योंकि कंफर्ट कार है और बहुत मजे की सुकून की ड्राइव है और हमेशा मतलब आपका था कि सिविक के साथ एक वो मोहब्बत आपकी जुड़ी हुई थी। बिल्कुल ठीक है, होंडा के साथ ही एज अ होल मोहब्बत हमारी है तो उसी के साथ हम रहे हैं, सिवाय एक हमने बीच में ऑड वन आउट, हमारे पास फॉर्च्यूनर है। ये वाली आपने जब सिविक ली तो आपको इसकी प्राइस वगैरह जब शुरू में लॉन्च हुई थी तो आपने ये कितनी प्राइस पे ली थी? ये जब हमने ये जो इनिशियल जब ये लॉन्च हुई थी हमने प्री बुकिंग कर ली थी उसकी 12.5 लाख उस वक्त आई थिंक डाउन पेमेंट थी, तो हमने उसी वक्त वो डाउन पेमेंट करके हमने ये बुक करा ली थी गाड़ी। सही है, जब अभी इसकी शेप नहीं आई थी, जब इन्होंने शेप सिर्फ बताया था कि सिविक आ रही है, तो क्योंकि सिविक के हम इतने फैंस हैं तो हमने कहा ठीक है जैसी भी होगी ले लें। ठीक है ठीक। अच्छा मुझे एक ये चीज़ होती है कि जैसे लोग करोला के फैंस नहीं होते, सिविक के फैंस होते हैं, कोई भी जनरेशन हो, डॉल्फिन ले लें, उसके बाद रिबॉर्न के फैन है, अभी पिछली सिविक एक्स जो सबसे ज़्यादा बिकी थी वाली जनरेशन पाकिस्तान में, उसके भी फैंस हैं, तो ऐसा क्या है कि सिविक से लोगों को इतनी मोहब्बत क्यों है? सिविक की ना एक कंफर्ट अपनी है कि बहुत मतलब सुकून से आप पता नहीं चलता गाड़ी आप जा रही, खास तौर पे जैसे मेरा लॉन्ग रूट है, मैं रिंग रोड ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो पता नहीं चलता, सुकून से गाड़ी जा रही है, आप बस बैठे हुए अपने सुकून से बैठ के आपने स्टेयरिंग पे बस एक हाथ रखे हैं, आप चलते जाएं। करोला का ऑन द अदर हैंड है कि वो ज़रा आपको ज़रा मर्दाना, काफ़ी ज़्यादा मर्दाना गाड़ी है वो। अच्छा, अच्छा। तो वो घर पे भी मामा ने भी क्योंकि चलानी होती है तो इसलिए ये गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हमें तो आप से को कह रहे से एक जनाना गाड़ी है। नहीं लेकिन वो कुछ खास तौर पे ट्रकों वाला कह लें कि मतलब अगर ट्रक थोड़ी सी हार्ड टाइप की गाड़ी लगती है, ये स्मूथ है और आपको वो लगती है। ठीक है, अच्छा इस वाले सिविक के अंदर मैंने बैठ के सबसे पहले चीज़ नोटिस किया ना यार, ये स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल काफ़ी मतलब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे सीट के साइड में मेरे ना इतनी जगह है। बिल्कुल ऐसे ही है और उसके अलावा अगर ड्राइव में भी आप बात करें तो ये ऐसे ही लगता है, लगती है काफी बड़ी है। हाँ। एक्स हालांकि जब रीबर्ट से एक्स पे शिफ्ट हुआ था तो तब भी काफी हमें लगा था। हाँ। कि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी है, लेकिन बेसिकली वो अमेरिकन मसल वाली जो है ना थोड़ी सी अंदर से, तो ये जो इसका स्टाइल है ना, ये मैं मतलब इसका तो फैन हूँ, ये मस्टैंग और कमैरो गाड़ियों में आता था ना, तो ये चीज मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल काफी यूनिक इन्होंने ये चेंज किया है इसको। ओवरऑल इसका पूरा ये डिस्प्ले वगैरह भी जो इन्होंने डाला है तो बड़ा अच्छा डाल है, बस एक चीज़ अगर ऐड कर देते ये रिट्रैक्टेबल स्क्रीन डाल देते। अच्छा, तो क्योंकि काफ़ी अगर ड्राइव की बात की जाए तो ये ऊपर निकले में ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, सही, सही, तो सही। ये रिट्रैक्टेबल डाल देते कि जब आपकी गाड़ी बंद हो रही है तो ये खुद ही नीचे चली जाए, जैसे ऑडी वगैरह में होता है। सही सही सही। अच्छा तो आपने मतलब सिविक के अंदर खरीदने में तो आपने मतलब कोई दो राय थी नहीं कि लेनी ही सिविक है, तो जब ये आपने मतलब आपने बताया कि जब आपने गाड़ी देखी भी नहीं थी जब आपने बुक कराई, बिल्कुल, तो जब ये गाड़ी आपको मतलब मिली तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था कि कैसी है? फर्स्ट इंप्रेशन पहले तो ये रंग हमने क्योंकि कार्मेलियन कलर लिया। अच्छा, ये गाड़ी बहुत प्यारी है वैसे, बाहर से बहुत प्यारी लग रही है। इसीलिए ना हमने कहा कि जब पहली दफा देखा मैंने कहा क्या बात है, बस ये यही चाहिए था। सही सही। कि आपको मतलब कि सेडान में अगर आपको एक स्पोर्टी लुक भी और जरा एग्जीक्यूटिव लुक में ये इस वाली के अंदर ये था कि जरा एग्जीक्यूटिव सी इसके अंदर लुक आ गई है और जरा ग्रेसफुल हो गई है। पुराने वाली जो थी ना वो स्पोर्टी सी थी और लड़कों लड़कों के अंदर ना इसको उन्होंने थोड़ा सा जरा जो है ना एग्जीक्यूटिव और थोड़ा सा क्लासी थोड़ी सी हो गई है, थोड़ा वो ऊपर में। ठीक है, तो मतलब आपको था कि यार आपके ख्याल से ये आपके लिए परफेक्ट फिट। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ क्या हमें एक लेदर सीट्स का होता है कि सीट्स लेदर होनी चाहिए और साथ सनरूफ की ऑप्शन हमें अवेलेबल थी, तो मेजर जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो तो मिल ही रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमने आरएस में शिफ्ट करने का नहीं सोचा, क्योंकि कह लें कि ज़रा प्यार से ही गाड़ी चलाने की आदत है, ज़रा एवरेज अच्छी निकाल के, क्योंकि अब तो आपको पता है पेट्रोल भी कहाँ का कहाँ निकल गया। एवरेज ये शो तो मीटर पे 12 कर रही है लेकिन अराउंड 10.5 कर रही है ये, और हालांकि अभी ये शहर के अंदर चल रही है, तो अगर मतलब मेजरली अगर मैं रिंग रोड पे इसको रेगुलरली चलाना शुरू करूँ तो फिर तो आई होप 12-12.5 करेगी ये, क्योंकि वो इतना ही है, इतनी करेगी जो 1500 cc टर्बो में, इससे ऊपर इसने करना भी नहीं है, हम उम्मीद नहीं करते। इसकी जो कंफर्ट है एक सीट्स की और इंटीरियर की जो कंफर्ट है बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं, सुकून से अगर आपने लॉन्ग रूट में भी जाना है तो मतलब बहुत आराम से आप चला सकते हैं, कोई मतलब थकावट वाला नहीं होगा। और उसके अलावा अगर इंटीरियर इसका मतलब फीचर्स में इसका ये है कि ये जो पूरा डिजिटल इन्होंने मीटर कर दिया, ये अंदर जो इंटीरियर में इन्होंने ऑप्शन दिए पूरा ही डिजिटल कर दिया, एक्स में भी था लेकिन इसका ज़रा वो ही बात आ गई ना एंड पे कि बहुत एक एग्जीक्यूटिव फील दे रही है ये, अंदर से पूरी गाड़ी एक
स्पोर्टी लेकिन क्लासी लुक दे रही है, तो वो एक मिक्सचर बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि आपको मतलब मेजॉरिटी लोकल गाड़ियों में नहीं मिल रहा है सर। और इसके अलावा आप बताएं कि इसके अंदर स्टोरेज स्पेसेस वगैरह क्या कैसी है? स्टोरेज स्पेसेस मतलब मुझे इस दफा लगता है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है। अगर कप होल्डर्स की बात की जाए, यहाँ दो हैं साइड पे भी, राइट साइड और आपके एक ग्लव कंपार्टमेंट में भी अच्छी खासी स्पेस है, बॉटल आ सकती है आराम से आ सकती है, बड़ी 1.5 लीटर वाली आ जाए इतनी जगह। उसके अलावा ट्रंक साइज, बूट साइज की बात की जाए तो बूट भी काफी स्पेशियस है इसका। बल्कि अभी रिसेंटली मैं कल एयरपोर्ट से लेके आया हूँ किसी को, तो दो बड़े जो फुल साइज बैग्स होते हैं वो बड़ी कंफर्टेबली आए हैं उसमें। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन बहुत कंफर्टेबली दो। और इसके अंदर ये बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, मतलब ये इसका मुझे आर्मरेस्ट मुझे नहीं पता, मतलब अगर मैं बाकी गाड़ियों से कंपेयर करूं मुझे लग रहा है सबसे सेडान्स के अंदर सबसे ज्यादा है, बिल्कुल काफी मेरा पूरा हाथ ऐसे आ जाता है और बड़ा कंफर्टेबल है। अगर आप ड्राइवर सीट से बात करें, गियर पे भी अगर आपने हाथ रखना है तो बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि पूरा आपकी एल्बो को सपोर्ट मिल रही है। सही है, एंड तक कि आप सुकून से, यही बात है ना कि कंफर्ट है लॉन्ग रेंज के लिए भी, क्योंकि आप अगर मोटरवे या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत रेयरली होता है कि आप दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ के ऑटोमेटिक गाड़ी में चला रहे हैं। अच्छा, गाड़ी की वो कैसी है, पिक शिक कैसा है गाड़ी का पिक? क्योंकि RS वाली जो है उसकी तो हॉर्स पावर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है ना, उसकी 176 और 220 है जी, इसकी 126 और 180 समथिंग है जी। लेकिन फिर भी पिक, अगर मतलब आप बात करें, आपने भगाई है? वैसे भगाई है, ठीक है, मतलब रिंग रोड पे अगर इसको ट्राई किया था जो एंड का आता है वहाँ पर ट्राई किया था तो अच्छी खासी इसकी पिक है, अच्छी मतलब आराम से 150-160 तो पता भी नहीं चल रहा था ना गाड़ी। और क्योंकि इसका क्योंकि गाड़ी आई थी तो फौरन इंश्योर करा ली थी। अच्छा, वहाँ से मतलब जब हम इनवॉइस लेके निकल रहे थे तो हमने इंश्योरेंस के लिए वहीं पे होंडा गेटवे से हमने गाड़ी ली तो वहीं से हमने अप्लाई कर दी थी इंश्योरेंस, तो अभी तक आइडिया नहीं है क्योंकि हार्डली इसको एक महीना हुआ है। सही सही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पहले हमने चलाई भी नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद गाड़ी निकाली। सही है सही है। तो पार्क व्हीलर्स, आप लोग भी इंश्योरेंस सेक्शन को जाकर पार्क व्हीलर्स पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। वहाँ पे जाके आप अपनी मर्जी से गाड़ी के बारे में बताएं, डिटेल्स वगैरह एंटर करें तो आपको ईजिली मिल जाएगा कि यार आपको कितना प्लान लेना चाहिए, किस पर डिस्काउंट चल रहे हैं। और आजकल मुझे याद है डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो यार आजकल जाके अभी मैं चेक कर लें क्योंकि इस टाइम काफ़ी सारी कंपनीज के ऊपर डिस्काउंट चल रहे हैं, तो इंश्योरेंस काफ़ी सस्ती हुई है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन वो जाके चेक कर लें एक दफ़ा। वैसे ऑन क्या चल रहा है, कोई आइडिया है आपको? ऑन जब मतलब हमने तो रीसेल के लिए चेक इन ही ना किया, लेकिन जब लेके आए थे शोरूम से घर आके गाड़ी खड़ी हुई थी तो हमें इसका तब 6 लाख रुपया ऑन ऑफर हुआ था कि आप अभी 6 लाख ऊपर पकड़ें और गाड़ी दे दें। अच्छा, उसके तकरीबन एक हफ्ता बाद फिर ऑफर आई थी, फिर 8 लाख पे चले गए थे। तो अभी करंटली नहीं पता, लेकिन अगर तब इस हिसाब से बढ़ा था तो अब 10 लाख की रेंज के अंदर इस पे सिविक पे ऑन चल रहा था। बिल्कुल। वैसे आप यार इतने जबरदस्त किस्म के फैन हैं, आपसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज है कि आपने तकरीबन 60 लाख की रेंज में पैसे खर्च किए, तो कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लगता हो कि यार उसमें थोड़ी सी कम है, अगर वो होती तो मुझे बहुत मज़ा आ जाता? अच्छा, किसी चीज़ में क्वालिटी वगैरह में थोड़ा सा आपको लग रहा हो? बिल्कुल, अगर इसके बटन्स की बात की जाए जो कि मतलब लाइट्स ऑन ऑफ करने के बटन्स हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अगर बात की जाए तो एक देसी फील है उनकी, मतलब टक टक वहाँ पे आपने जिस तरह मतलब लाइट का स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं उस तरह के बटन दिए हैं। ये भी अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक हो जाते तो मेरे ख्याल से बेहतर होता। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आज तक इसमें वो मैनुअल सीट्स ऊपर नीचे करने का, तो वर्टिकल मूवमेंट के लिए और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए अगर आपने करना है तो वो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। चलो मतलब वो होती पैसेंजर की एटलीस्ट हो जाती। बिल्कुल, वेंटिलेटेड हीटेड तो चलो पाकिस्तान में बंदा कहता है कि यार चलो बहुत ऊपर की चीज़ है ना भी हो खैर है, लेकिन इलेक्ट्रिक तो एटलीस्ट होना चाहिए ना, कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो एक वो आपको थोड़ा सा कंफर्ट होते हैं वो। हाँ, और ये सिविक के जो इतने बड़े फैन बैठे हैं जिन्होंने मुझे पूरी गाड़ी की सिर्फ तारीफें की हैं वो भी अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप भी कोई अपने सिविक ढूंढ रहे हैं, कोई यूज्ड के अंदर ढूंढ रहे हैं, ये वाले ढूंढ रहे हैं, तो अभी पार्क व्हील्स की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जाके अपनी मर्जी के सिविक ढूंढें, फिल्टर लगाएं यार मोबाइल के ऊपर, ऐप के ऊपर बैठ के जो आप सवाल हमसे कमेंट सेक्शन में अक्सर पूछते रहते हैं ना कि यार इसके कितने की मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, यार आपने ऐप डाउनलोड करनी है, उसके ऊपर जाके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
ठीक हो गया जी, तो कमेंट सेक्शन वगैरह में सवाल पूछें, लेकिन ऐप के ऊपर जाके उन सारों के जवाब आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। और अगर नई सिविक के बारे में आपने कोई चीज़ वगैरह देखने तो हमारा न्यू कार सेक्शन को विजिट कर लें। अगर आपको यूज्ड के अंदर सिविक देख रहे हो तो लेने से पहले एक काम आपने लाजमी करना है, और उस काम का नाम है भाई उस गाड़ी की पार्किंग से इंस्पेक्शन करवानी है। क्योंकि क्या होता है यार, अक्सर आप कोई पुरानी गाड़ी ले रहे होते हो, आपको नहीं पता होता, देखने में सारी गाड़ी ऐसे चकाचक लग रही होती है लेकिन अंदर की जो कंडीशन है वो किसी को भी नहीं पता होती। तो उसके लिए इंस्पेक्शन लाजमी करवाएं, और उससे आपको साफ पता लग जाएगा कि गाड़ी की क्या कंडीशन है। तो इंस्पेक्शन लाजमी करवाएं और फिर जाके अपनी गाड़ी पसंद कर लें। और वीडियोस देख देख के तो यार आपको आदत होगी भी, आप लोगों से एक इतना ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक बन गया है। तो बस एक चीज़ तो आपको पता है, अब आपने क्या करनी है यार, वो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा दें। अगर आपका कोई दोस्त वीडियो देख रहा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वो उसको पकड़ के उसके मोबाइल से भी जाकर दबा दें। तो कोशिश करेंगे यार हमें जल्द से जल्द 2 मिलियन पर लेके चले जाएँ। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।